सबकी बात सुनी है, चर्चा हुई है, सब सीनियर नेताओं से बात हुई है, हमारी बात सुनी गई है और हमें आश्वासन दिया गया है कि हमारी बात पे ध्यान दिया जाएगा। चुनावों का मौसम आने वाला है, गिले शिकवे पहले दूर करने पड़ेंगे, कहीं चूक हो गई तो नुकसान की भरपाई कर पाना नामुमकिन होगा। शायद हरियाणा विधानसभा चुनावों से ठीक पहले कांग्रेस हाईकमान इस बात को भांप गया है कि हरियाणा कांग्रेस में गुटबाजी हार की बड़ी वजह बन सकती है, इसीलिए रूठों को मनाने की कवायद शुरू कर दी गई है। लोकसभा चुनावों में गुरुग्राम से टिकट ना मिलने से खफा चल रहे कैप्टन अजय यादव ने भी आज राहुल और मल्लिकार्जुन खड़गे के सामने अपना दुख और तकलीफ जाहिर की। कांग्रेस हाईकमान की तरफ से भी उन्हें आश्वासन दिया गया कि उनकी बातों को ध्यान में रखा जाएगा। सबकी बात सुनी है, चर्चा हुई है, सब सीनियर नेताओं से बात हुई है और उस हमें आश्वासन दिया है कि जो भी हमारे सुझाव हैं उन पर अमल करेंगे। पिछले दिनों नाराजगी दिखाई जा रही थी, लेकिन क्या इस नाराजगी दूर हुई है इस बैठक में? उस विषय पे मैं कोई बात करना नहीं चाहता, हमारी बात सुनी गई है और हमें आश्वासन दिया गया है कि हमारी बात पे ध्यान दिया जाएगा। कैप्टन अजय यादव किससे और किस बात से नाराज है ये तो हमने आपको बता दिया, लेकिन लोकसभा चुनावों के खत्म होते ही कैप्टन ने हरियाणा कांग्रेस के बड़े नेताओं को 5 सीटें हारने पर आड़े हाथों लिया था और कई सवाल भी खड़े किए थे। लेकिन अब विधानसभा चुनावों से ठीक पहले राहुल और मल्लिकार्जुन खड़गे ने हरियाणा कांग्रेस में चल रही गुटबाजी और मनमुटाव को खत्म करने की कवायद शुरू कर दी है और हाईकमान की ये कोशिशें सिरे चढ़ती हुई नजर आ रही है। दिल्ली से कमल कुमार कंसल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।